करके देखता हूँ क्या होता है। ओके हाँ भूमिका अच्छा, बेटे। नहीं, इससे पहले आपने कुछ कराया है? मैंने अभी ज्वाइन करा है। अच्छा ओके देन आई डोंट आस्क। नहीं स्टार्ट यहीं से है बट आई डोंट आस्क एनी क्वेश्चन देन फ्रॉम यू। देवाक्षी यस ये बता बेटे कि ये जो डब्ल्यू बॉडी है ये सर। किस किस के टच में है। अर्थ के और इस वॉल के। अर्थ के टच में है। मैं थोड़ा छोटा अल्फाबेट ले रहा हूं। अर्थ के टच में है, वॉल के, वॉल के टच में है, और किसके टच में है और ये बेटे। जो नीचे इसके सरफेस है उसके। हाँ ये बात सभी बच्चे सबसे पहले समझ लें। अर्थ और नीचे वाली सरफेस, अनम्यूट कर लो भूमिका और देवाक्षी, ये बात सबसे पहले समझ लो बेटे। नीचे फर्श हो या ना हो, अर्थ अलग से ली जाती है। उससे क्या होता है, देखो जी, एक फोर्स बना अर्थ का, जो फोर्स अर्थ लगाती है उसे एमजी कहते हैं। नेम मैं बाद में लिखूंगा। जो फोर्स फ्लोर लगाएगा उसे रिएक्शन कहते हैं। फ्लोर क्या है, एक सरफेस है। दीवार क्या है, एक सरफेस है। अर्थ का फोर्स एमजी, दीवार का सॉरी फर्श का फोर्स लेट मी कॉल इट 1 एंड 2। अब देवाक्षी वॉल का फोर्स किस तरफ होगा, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे। सीधे हाथ पे। सीधे हाथ पे। अः भूमिका यस सर। अगर मैं दीवार को हटा दूं यानी सेकेंड सरफेस को हटा दूं, सपोज कर लो सेकेंड सरफेस मैंने अचानक से हटा दी, तो क्या आपको लगता है कि ये डब्ल्यू कहीं जा सकता है। कैन इट गो एनी वेयर लेफ्ट और राइट, सर वेयर इट कैन गो, राइट। इट विल गो टुवर्ड्स राइट। व्हाई इट विल गो टुवर्ड्स राइट, हीरल जरा टू हीरल सॉरी ग्रेवाल, अगर मैं सेकंड सरफेस को हटा दूं तो ये बॉल किस तरफ जाएगी। स्टेशनरी एग्जैक्टली सभी इस बात को दोबारा से सुने। आई एम आस्किंग ग्रेवाल, योर आंसर इज करेक्ट बट यू नीड टू रिपीट दिस आंसर। अगर मिस ग्रेवाल मैं सेकेंड सरफेस को हटा दूं तो ये बॉल कहाँ जाएगी। बॉल स्टेशनरी बॉल रहेगी। स्टेशनरी रहेगी, इसका मतलब वॉल टू कोई फोर्स नहीं लगाएगी। ठीक है चलिए देवाक्षी की बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये बात तो आप सभी मान रहे हो कि बॉल जो है वो रेस्ट पे है। हेलो अगर बॉल रेस्ट पे हो, भूमिका म्यूट कर लो बेटा, तो फिर नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो हुआ। करेक्ट है। अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो R1 mg के बराबर हो जाएगा, यानी फ्लोर की रिएक्शन किसके बराबर होगी, वेट के बराबर। लेकिन R2 ये तो अनबैलेंस्ड रह गया, अगर आप कुछ लिख भी रहे हैं तो रुक जाइए। R2 अनबैलेंस्ड नहीं रह सकता है। क्यों, क्योंकि अगर R2 अनबैलेंस्ड रह गया
तो फिर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, आर टू के अपोजिट कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स ना होने का मतलब है बेटे ना एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है जी। यानी के ऊपर वाला नीचे के बराबर होगा, सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ के बराबर होगा, उल्टे हाथ की तरफ मेरे पास कोई फोर्स ही नहीं है, तो भैया ये जो सीधे हाथ वाला फोर्स है ये होगा ही नहीं। तो जी नोट कर लो, और साथ ही साथ एक वो डायलॉग नोट कर लो जो आप मूवीज में सुनते हो, जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा हो। मतलब हमें दिख क्या रहा है, हमें दिख रहा है कि बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विथ वॉल, मन ही नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग एनी नेसेसिटी। एग्जैक्ट सेंटेंस ये है, इन फिजिक्स हमारी फिजिक्स में बॉडीज कॉन्टेक्ट में तभी मानी जाएंगी अगर उनमें रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया बेटा, कॉन्टैक्ट तभी जब रिएक्शन हो, अगर कॉन्टैक्ट अगर रिएक्शन नहीं तो भले ही हमें कॉन्टैक्ट में बॉडी लग रही हो वो कॉन्टैक्ट में मानी नहीं जाएंगी। नंबर बी पार्ट, सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं, बस थोड़ा। देखो अल्टीमेटली हमने फ्री बॉडी डायग्राम ही बनानी है, लेकिन मतलब सीख तो वही रहे हैं, लेकिन निकालना जो सीख रहे हैं वो है रिएक्शंस।
अब बेटे, हाँ बोलो नैन्सी। नैन्सी यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, हो गया क्वेश्चन। नहीं, यू रेज द हैंड। ओके, नो डोंट रेज द हैंड, बाकी बच्चों को कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हम इसको मिटे देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे पहले तो हमें यही सोचना है कि हमारी बॉडी किस किस के टच में है। कॉपी आंसर, ये हमारी डायग्राम हुई। देखो, लेकिन अब दिमाग लगाओ, पहले डायग्राम को देखो। डायग्राम अर्थ के टच में है तो mg बना दिया। डायग्राम बॉल मेरी जमीन के टच में है, r1 बना दिया। डायग्राम मेरी दीवार के टच में है, r2 बना दिया। डायग्राम मेरी एक ऐसे बंदे के टच में है जो फोर्स f लगा रहा, तो मैंने सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑरेंज से दिखा दिए। ठीक है जी, और आंसर क्या हो गया? ये जो R2 है वो F के बराबर होगा और जो R1 है वो mg के बराबर होगा। नंबर तीन, जब तक ना बताऊं बेटे, सरफेस स्मूथ ही है। ये मेरी M1 है, विधान बच्चे M1 किस किस के टच में है बोलते जाओ, मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा। M2 एंड सरफेस, M2 सरफेस, और एक नाम हमेशा होता है कौन सा? अर्थ। अर्थ, क्या सभी बच्चे इससे एग्री करते हैं या किसी को कोई डिसएग्रीमेंट? डिसएग्रीमेंट हो तो जस्ट रेज योर हैंड। क्या ये तीन बॉडीज के टच में है? टू बी ऑनेस्ट आई डाउट। अगर मैं विधान, मिस विधान, सॉरी बेटे, विधान निकल जाए तो मिस अपने आप लगा लियो यार, मैं आई फॉरगॉट सम टाइम। मिस विधान ये बता बच्चे, अगर मैं M2 हटा दूं तो क्या M1 कहीं भागेगा? नो सर। तो क्या M1 M2 का सहारा ले रहा है? नो सर। जब सहारा नहीं है तो फिर बेटे M2 के टच में भी नहीं है। ठीक है जी, तो फोर्सेस कौन कौन से हैं? थोड़ा थिकनेस बढ़ा दूं, एक फोर्स है M1G और एक फोर्स है R1। हम रिएक्शन को या तो कैपिटल R से लिखते हैं या कैपिटल N से लिखते हैं। There is no force between one and two. और ये हमारी second body है। एक force बना M2G और एक force बना R2। तो फिर answer क्या हो गए?
देयरफॉर आर वन एम वन जी के बराबर, आर टू एम टू जी के बराबर, एफ वन टू फोर्स ऑन वन बाय टू, फोर्स ऑन टू बाय वन, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज। आज के लेक्चर को नंबर ऑफ क्वेश्चन से काउंट मत करना, क्योंकि फोर्सेस समझाना सबसे मुश्किल काम होता है, डी पार्ट। सिर्फ एक चेंज करेंगे हम, कॉपी पेस्ट, और इधर से एक फोर्स, डायग्राम पहले बना लें, फिर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में तो फोर्स के बावजूद सेकंड सरफेस होने की वजह से बॉल कहीं भाग ही नहीं सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरी बॉल भाग सकती है, तो हम एक्सलरेशन लेट कर लेते हैं। अब M1 पे फोर्स बनाइए, ये M1 हुआ, ये आपने फोर्स लगाया, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, M1G, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, रिएक्शन वन। अगर M1 आगे जाएगी तो M2 पीछे की तरफ धक्का देगा। काइंडली सी द डायरेक्शन ऑफ F12, M1 आगे जा रही है और M2 पीछे धक्का देगा। अब सबसे बड़ी चीज M2, दीक्षा क्या F, क्या F M2 पे लग रहा है? यस और नो बेटा? आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग दीक्षा। ओके, लेट्स मूव ओवर टू नव्या। क्या फोर्स M2 पे लग रहा है, F M2 पे लग रहा है? सर F का इफेक्ट M2 पे भी आएगा। दो सवाल है बेटे, क्या फोर्स F M2 पे लग रहा है या F का असर M2 पे लगेगा? सर असर लगेगा। I repeat to everybody, F लगने का मतलब है मैं इधर से F दिखाऊंगा
और एफ का असर का मतलब है कि एफ नहीं दिखाऊंगा बल्कि कोई और वैल्यू लिखूंगा, तो मुझे यहाँ एफ लिखना चाहिए या कोई और वैल्यू लिखनी चाहिए? कोई और। हाँ, और वो वैल्यू कौन सी होगी? एफ एम टू एन। ध्यान रहे, ये डायग्राम में भी दिखाया जा सकता है ड्यू टू थर्ड लॉ, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे एज यू कैन सी इट। एम टू जमीन के टच में भी है, सरफेस के टच में भी है और सामने जा रहा है, ये भी सामने जा रहा है। तो अब इक्वेशन एक बार प्लीज रोक लीजिए। आपको मैंने लास्ट टाइम क्या समझाया था? न्यूटन का सेकेंड लॉ है नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स या तो फेवरेबल होगा या अपोजिंग होगा या पार्शली फेवर करेगा या पार्शली अपोज करेगा या फिर कोई लेना देना नहीं होगा। जो फोर्स, जैसे फर्स्ट डायग्राम में आर वन आर टू एक्सलरेशन के परपेंडिकुलर हैं, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होगा। आप फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखें, बॉडी कहां जा रही है? सीधे हाथ की तरफ। तो इक्वेशन बनेगी सीधे हाथ वाला फोर्स माइनस अपोजिट हाथ वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए। आर वन क्यों नहीं लिखा? एक्सलरेशन के परपेंडिकुलर है। आर टू क्यों नहीं लिखा? एक्सलरेशन के मतलब एम वन जी क्यों नहीं लिखा? एक्सलरेशन के परपेंडिकुलर है। सेकेंड डायग्राम को ध्यान से देखें, एक्सलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, तो वही एम ए के बराबर होगा। अब बेटे आप इन दोनों को याद रखो, जो जिस मास पे लग रहा है वही एम लेना है। अब सिंपल सी बात याद रख लो, दोनों को ऐड कर दो, पहले दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से ए आ जाएगा, और फिर F21 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ई पार्ट। ये डीसी पांडे की बुक में है, अरियन पब्लिकेशन की सबसे बढ़िया बुक मानी जाती है। सो यस, तो वीडियो बहुत पॉज होके आ रही है। किसको आ रही है? हीरल को क्या? मोबाइल के को भी? तो लैपटॉप यूज कर रही हूँ। मेरे को भी पॉज होके आ रही है। एक बार अपना उस पे चेक करो, सफारी पे मतलब जो भी आपका नेट ब्राउजर है उस पे fast.com fast.com लगाकर स्पीड चेक करो। मेरे यहाँ पे 80 Mbps आ रही है, तो इट इज गुड इनफ। 80 Mbps का Mbps का मतलब है कि 200 स्टूडेंट भी बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। या मैं रिकॉर्डिंग हटा देता हूँ, मे बी दैट विल हेल्प। स्टॉप।